नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गिरी गोवा में भूपन पर। जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्लावर है, ये लिली है, रेड लिली बोलते हैं। कई प्रकार की आती हैं, ये वेरीकेट है, बड़ी वाली साइज की, हाइब्रिड बोलते हैं इसको। और इसमें एक देसी भी आती हैं, वो छोटे साइज की रहती हैं। तो ये मेरा हाइब्रिड वेराइटी है, आप देख सकते हैं। इसमें भी कई कलर आते हैं, मेरे पास तो यही पिंक कलर है, आप देख सकते हैं इसको। देखिए, एक मैंने जो मटका था, मटका तोड़ के इसका स्टैंड बना दिया है, स्टैंड इसी में लगा दिया है। जैसे आप देख सकते हैं, एक कली और आ रही है, एक जो कली आ रही है, बहुत अच्छा पैटर्न का फ्लावर है इसका। आप भी चाहें तो अपने घरों में लगा सकते हैं, इसी सीजन, ये सीजन है इसका फ्लावरिंग का। बरसात के दिन में ही इसमें रेन लिली यानी बरसात में इसके फ्लावर खिलते हैं, और बहुत ईजी टू ग्रो है ये। जैसे आपके पड़ोस में कहीं भी लगी हो या नर्सरी से ले आएँ, तो एक ले आएँ, एक पौधा 20-30 रुपए का आता है, एक ले आएँ। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये गठान है हल्की सी जी, तो ये एक अपन नर्सरी से ले आएंगे तो एक इसको ग्रो कर दो, इसमें मल्टीप्लाई अपने आप ही होती जाती है। इसमें से दो अपने रूट से अंदर से निकलेंगे तो ऐसी हो जाएंगी, फिर एक की दो, दो की चार, फिर पूरे उसमें जे पूरे गमले में फैल जाती हैं। आप भी चाहो तो अपने घरों में लगा सकते हैं, ईजी टू ग्रो है और कोई मेंटेनेंस नहीं है, लो मेंटेनेंस प्लांट है जी। पानी की रिक्वायरमेंट भी कम रहती है और खाद भी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता, कुछ नहीं। एक महीने में इसमें हल्का सा गोबर खाद डाल दो, 12 महीने तो अपन को उसमें खाद डालना नहीं है, भले ही डालें कोई दिक्कत नहीं है। जैसी बरसात से बरसात स्टार्ट होती है, इसका सीजन आता है, सीजन से पहले इसमें हल्की सी गोबर खाद या फिर NPK फर्टिलाइजर इसमें अपन डाल सकते हैं। और नहीं भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बरसात का पानी होता है उससे अपने आप ही उसको ऑटोमेटिक ही खाद मिलती है और अपने आप ही जो फ्लावरिंग आएंगी। अभी तो जी देखो, एक सूट थे मेरे पास, अब इसमें से देखो आप देख पा रहे हैं, यानी एक लाया था मैं, एक में से जो एक, दो और जो तीन हो गए हैं। अब ये जैसे इसका अपडेट वीडियो में बनाऊँगा तो आप देखना था, जो पूरा गमला इसी से भर जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर करके और भी जगह पर दे दूंगा। अब ये तीन है, बस यही मैं आपको दिखाया। आप भी अपने घरों में लाइए इसको, नर्सरी से कई कलरों में आता है, देसी भी ला सकते हैं, बैरीकेट है, कई प्रकार के कलर होते हैं इसमें, येलो होता है, ये पिंक है, ब्लू भी होता है, देख सकते हैं चारों एंगल से। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दिए करो, कर दिए करो, अपने दोस्तों से कहकर भी लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करें हमारे चैनल को। थैंक यू।